हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टीन और टीना मूवी को, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर रूबेन स्टेन ने हॉरर एलिमेंट को जोड़ दिया है, जिस वजह से यह मूवी एकदम हॉरर की तरफ चली जाती है। और यह मूवी अभी नई है तो इसकी हम रेटिंग की बात नहीं करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1981 से स्पेन में, जहाँ पर एक लवर एडोल्फो और लोला शादी कर रहे होते हैं और यहाँ पर लोला प्रेग्नेंट हुई होती है, साथ ही उसका एक पैर नकली होता है। जैसे ही वह दोनों शादी करके बाहर निकलते हैं, तभी उसी समय लोला को मिस ब्लीडिंग होने लगती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लोला का मिस कैरेज हो गया है। और डॉक्टर बताते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते लोला अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी। यह बात सुनकर दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और इस बात को लोला अपने माइंड में बैठा लेती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगती है और उसकी ऐसी हालत एडोल्फो नहीं देख पा रहा होता है। इसलिए वह लोला को सजेस्ट करता है कि वह दोनों कॉन्वेंट जाकर किसी ऑर्फन बच्चे को गोद ले लेंगे, लेकिन लोला इस बात को अपनाने के लिए अंदर से राजी नहीं होती है। फिर भी वह किसी तरह अपने आप को मना लेती है, जिसके बाद दोनों वहाँ के एक कॉन्वेंट में जाते हैं, जहाँ पर दोनों की मुलाकात वहाँ के हेड एबिस से होती है, जो उन्हें एक भाई बहन टीन और टीना से मिलवाते हैं, जो कि रियल सिविलियंस होते हैं। और दोनों बच्चे यहाँ पर लोला के साथ थोड़ा बहुत खेलने कूदने लगते हैं। लोला को ऐसे खुश देखकर एडोल्फो बहुत ही खुश होता है, तो लोला यहाँ पर डिसाइड करती है कि वह दोनों बच्चों को गोद लेगी, जिसके लिए एडोल्फो उसे मना करने लगता है क्योंकि दोनों बच्चे काफी बड़े होते हैं। लेकिन वह लोला के जिद के आगे झुक जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर कुछ पेपर वर्क करते हैं और बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। इनकी फैमिली में इनका एक कुत्ता कुकी भी होता है, जो दोनों बच्चों को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे कि उसने दोनों बच्चों के अंदर कोई इविल एंटिटी को देख लिया हो। जिसके बाद सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और बच्चों के आते ही इनके घर की रौनक बढ़ जाती है, जिसके बाद सभी लोग रात के समय डिनर करने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पर एडोल्फो और लोला खाने लगते हैं। लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है डिनर करने से पहले प्रेयर करने का, तब जाके एडोल्फो उनके लिए प्रेयर करता है, जिसके बाद बच्चे खाने लगते हैं। डिनर करने के बाद लोला बच्चों के कमरे में जाती है और उनके सामान को अनपैक करने लगती है, जहां पर वो देखती है कि बच्चों के सामान में एक बाइबल है और बहुत सारा होली क्रॉस है, जिससे कि लोला के साथ हमें भी पता चलता है कि ये दोनों बच्चे कितने धार्मिक हैं और इनका कॉन्वेंट भी एक चर्च जैसा ही था। अगली सुबह लोला बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठी होती है, जहां पर बच्चे सिर्फ धर्म के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यहीं पर टीन बताता है कि वह जब चाहे तब अपने एंजल को देख सकता है। इसी दौरान टीना टीन के चेहरे को एक पॉली बैग से ढक देती है, जिस वजह से टीन का दम घुटने लगता है और वह लगभग मरने वाला ही होता है। लेकिन उसका कहना था कि ऐसा करने से उसे उसके एंजल दिखते हैं, यानी कि उसे उसके भगवान नजर आते हैं। और यह सब देखकर लोला को काफी अजीब फील हो रहा होता है, जिसके बाद दोनों बच्चे उसके साथ मस्ती करने लगते हैं, जिस वजह से लोला का मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगले दिन टीन और टीना स्कूल को ज्वाइन करते हैं, जहां पर क्लासरूम में एक मोटा बच्चा पेड्रो होता है, जो उनका मजाक उड़ाने लगता है। पेड्रो उन्हें ड्रैकुला के बच्चे कहकर पुकारने लगता है, तो दोनों बच्चे घर आकर लोला से यही बात पूछते हैं कि क्या वो दोनों ड्रैकुला के बच्चे लगते हैं, जिस पर लोला उनका ही सपोर्ट करने लगती है और कहती है कि वो दोनों बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है और सबसे अलग दिखना एक अच्छी बात होती है। जिसके बाद वो दोनों बच्चों को अपना एक पैर दिखाती है, जो कि आर्टिफिशियल होता है। और आज के दिन लोला बच्चों के साथ अपना पूरा वक्त बिताती है, उनके साथ खेलती है, मस्ती करती है। लेकिन इसी दौरान बच्चे एक कपड़े को लेकर लोला के चेहरे को ही दबोच लेते हैं और उनका कहना होता है कि ऐसा करने से लोला को उसके गॉड नजर आएंगे। लेकिन लोला का यहाँ पर दम घुटने लगता है और समय रहते ही वहाँ पर एडोल्फो आ जाता है, जो लोला को किसी तरह संभालता है और बच्चों पर गुस्सा करके उन्हें डांटने लगता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, थोड़ी बहुत शैतानियां तो करेंगे ही, इसलिए एडोल्फो उन्हें माफ कर देता है। जिसके बाद बच्चे लोला से माफी मांगने के लिए जाते हैं, जहां पर कुकी उन्हें देखकर फिर से जोर जोर से भौंकने लगता है, तो लोला कुकी को शांत कराने की कोशिश करने लगती है। लेकिन कुकी शांत नहीं होता है, बल्कि वह लोला के हाथ को ही काट लेता है और वहां से भाग जाता है, जिस वजह से लोला को काफी दर्द होने लगता है। अगली सुबह दोनों बच्चे स्कूल में होते हैं, जहां पर पेड्रो उन्हें फिर से उनका मजाक उड़ाने लगता है और सभी बच्चे उन दोनों बच्चों पर हंसने लगते हैं। रात के समय टीन और टीना एक हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। एडोल्फो और लोला अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उनके सोने के बाद ही बच्चे लोला के कमरे में जाते हैं और स्लीपिंग पिल्स को चुरा लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वह दोनों कुकी की आत्मा को अपवित्र कर ही रहेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा अपवित्र है, उसने लोला के हाथ पर काटा है।
तो दोनों बच्चे बाहर जाकर कुकी को स्लीपिंग पिल्स खिला देते हैं। इसे खाने के बाद कुकी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद दोनों बच्चे कुकी के सामने अपने बाइबल को रीड करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों बच्चे कुकी को वहीं पर काफी बुरी तरीके से मार देते हैं और उसकी बॉडी को काट काट कर छील देते हैं, क्योंकि उनके बाइबल में पनिश करने का कुछ ऐसा ही लिखा होता है। अगली सुबह दोनों बच्चे खून में लथपथ एडोल्फो और लोला के सामने जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुकी की आत्मा को पवित्र कर दिया है, जिसके बाद लोला एडोल्फो कुकी की बॉडी को देखते हैं जो कि अब मर चुका होता है, जिस वजह से लोला बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि कुकी उसके काफी करीब जो था। इस बात से दोनों टिन और टीना से काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कुकी की बॉडी को सम्मान पूर्वक दफना देते हैं। उसके बाद एडोल्फो लोला को समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो दोनों बच्चे अभी बच्चे हैं और नादान भी है, इसलिए उन्हें एक माँ चाहिए जो उन्हें समझा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन लोला समझ गई थी कि बच्चे आखिर क्या हैं। रात को लोला सो रही होती है तो उसे बच्चों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो वह बाहर जाती है चेक करने के लिए और देखती है कि टिन और टीना घुटने के बल चल रहे हैं और वो खुद को पनिश कर रहे होते हैं। यह सब देखकर लोला को अच्छा नहीं लगता है और वो तुरंत ही बच्चों का ट्रीटमेंट करने लगती है, क्योंकि बच्चों के घुटने काफ़ी जख्मी हो गए होते हैं। तो लोला उनसे पूछती है कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे, तो बच्चे कहते हैं कि उनके बाइबल में ऐसा ही करने के लिए लिखा गया है। तो लोला कहती है कि बाइबल में जो कुछ भी बात लिखी है वो सब ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाइबल में लिखी हुई हर बात को हम अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें, और उन्हें इस उम्र में अच्छी स्टोरी और अच्छी मूवी देखनी चाहिए, ना कि बाइबल को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चे तो बाइबल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले बैठे होते हैं। खैर, इन सभी बातों को भुलाकर सभी लोग न्यू ईयर के दिन सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं। तभी लोला अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, तो उसे तुरंत ही उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग को पता चलता है कि लोला प्रेग्नेंट है, और यह बात जानकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन लोला डॉक्टर से कहती है कि ऐसा होना उसके लिए इम्पॉसिबल है, तो डॉक्टर कहती है कि इसे वो एक चमत्कार ही समझे। घर आने के बाद दोनों बच्चे लोला को एक सॉन्ग पर इंटरटेन करने लगते हैं, जिसके बाद टिन और टीना लोला के बच्चे की सक्रिफाइस की बात करने लगते हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट हुए थे, लेकिन लोला उन्हें इस बारे में बात करने से मना कर देती है। अगले दिन सभी बच्चे चर्च के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर सबसे पीछे पेड्रो होता है जो टिन और टीना को परेशान कर रहा होता है, जिसके बाद सभी लोग चर्च में प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पेड्रो आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कुछ समय के बाद लोला के घर पर पेड्रो की माँ का फोन आता है, जो उसे बताती है कि पेड्रो के साथ जब हादसा हुआ था तब वहाँ पर टिन और टीना मौजूद थे, ऐसा स्कूल के बच्चों का कहना है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पेड्रो का एक्सीडेंट पत्थरों पर गिरने की वजह से हुआ है, जिस वजह से वो काफी जख्मी हो गया है और वह इस समय कोमा में है। यह सब सुनकर लोला को टिन और टीना पर शक होने लगता है, जिसके बाद लोला कॉन्वेंट में जाती है ताकि वह बच्चे के पास्ट के बारे में कुछ जान सके। लेकिन यहाँ पर अविश टिन और टीना के तारीफ ही कर रही थी और वो भी काफी धार्मिक होकर बातें करने लगती है, जैसे कि टिन और टीना करते हैं, और इसी बात को लेकर लोला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो अविश उसे किसी तरह शांत कराती है। रात को टिन और टीना अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तब वहाँ पर लोला आती है जो उनके बाइबल को चुपके से उठाती है ताकि वह देख सके कि आखिर उस बाइबल में लिखा क्या है। तो लोला को बाइबल के अंदर दो ड्राइंग मिलती है, जिसमें कि एक ड्राइंग में उन्होंने कुकी की सक्रिफाइस किया था और दूसरे ड्राइंग में उन्होंने पेड्रो के साथ एक्सीडेंट को ड्रॉ किया था, जिस वजह से उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। तब आधी रात को एडोल्फो घर पर लौटता है तो लोला उसे वही ड्राइंग दिखाती है, लेकिन एडोल्फो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है कि पेड्रो के साथ जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार टिन और टीना है। और यहाँ पर एडोल्फो लोला पर ही गुस्सा करने लगता है और ऊपर चला जाता है। अगली सुबह दोनों बच्चों देखते हैं कि उनका बाइबल वहाँ से गायब है और उनकी सारी धार्मिक चीजों को लोला एक संदूक में बंद कर रही होती है, और वो बच्चों से कहती है कि जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे तब उनके लिए ये संदूक खोला जाएगा और आज के बाद इस घर में कोई भी धार्मिक बात नहीं करेगा और ना ही धार्मिक चीजें रखेगा। रात को लोला अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है, जिस वजह से वो डर कर उठ जाती है और वो बाहर जाकर देखती है कि उसके सर के बाल तेजी से नीचे गिर रहे हैं। तो लोला एडोल्फो से कहती है कि यह सब बच्चों ने किया है, जरूर उन्होंने उसके खाने में कुछ मिला दिया होगा, लेकिन एडोल्फो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। जिसके बाद लोला पेड्रो के माँ को फोन करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पेड्रो की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी है,
और यह जानकर लोला बहुत ही दुखी हो जाती है और वो समझ जाती है कि टिन और टीना धर्म के नाम पर काफी बुरी बुरी चीजें कर रहे हैं। तभी एडोल्फो को अर्जेंट में अपने जॉब पर जाना होता है और आज के लिए लोला उसे घर पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन एडोल्फो नहीं रुकता है, जिसके बाद घर में लोला उन बच्चों के साथ अकेली पड़ जाती है। अगली सुबह लोला देखती है कि उन दोनों बच्चों ने उसके हाथ को बेड पर बांध दिए हैं और वहाँ पर टिन अपने चेहरे पर लाल कलर लगाया होता है और वो एक डिमन की तरफ बन गया होता है। फिर दोनों बच्चे मिलकर लोला को जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें कि पॉइजन मिला हुआ होता है, तो लोला अपने मुंह को ही नहीं खोलती है, तो दोनों बच्चे मिलकर उसे हटा देते हैं। तो दोनों बच्चे मिलकर दूध को एक इंजेक्शन में भरते हैं और वो दोनों लोला के पेट में इंजेक्ट करने जा रहे होते हैं। तभी कैसे भी करके लोला अपने हाथ को फ्री कर लेती है और वहां से भागकर किचन में पहुंच जाती है, जहां पर वो बच्चों को नाइफ दिखाकर दूर रहने के लिए कहती है। तभी वहां पर एडोल्फो भी आ जाता है, जो लोला को ऐसी हालत में देखकर उसे ही गलत समझने लगता है। तभी लोला का डिलीवरी का समय भी आ जाता है, तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर लोला एक बच्चे को जन्म देती है, जिस वजह से सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर लोला एडोल्फो से कहती है कि टिन और टीना मिलकर उसके बच्चे को मार देंगे, लेकिन यहाँ पर एडोल्फो उसे ही समझाने की कोशिश करने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से अब सभी लोग अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करेंगे। तो लोला उसकी बात को मान जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर टिन और टीना स्विमिंग कर रहे होते हैं। एडोल्फो टीवी में अपना मैच देख रहा होता है। घर के अंदर लोला किचन में अपने बच्चे के साथ खाना बना रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि फ्रिज में से सारे अंडे खत्म हो गए हैं, तो लोला फार्म के अंदर जाती है अंडे लेने के लिए। उसके जाते ही टिन और टीना उस संदूक को तोड़ देते हैं और अपने बाइबल को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो उसमें से कुछ मंत्रों को उच्चारण करने लगते हैं और वो लोला के बच्चे को पानी के अंदर सैक्रिफाइस करने जाते हैं, यानी कि वो लोला के बच्चे को पानी में डुबाकर मारने जाते हैं। लेकिन मौका रहते ही वहां पर लोला आ जाती है, जो उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। वो तुरंत ही अपने बच्चे को जाकर बचाती है, जिसके बाद वो एडोल्फो को भड़कने लगती है कि वह कैसा पिता है जो अपने बच्चे को बिल्कुल भी परवाह नहीं रखता है। यह सब देखकर एडोल्फो को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वह तुरंत ही उनके बाइबल को वहीं पर जला देता है, जिसके बाद वह दोनों टिन और टीना को उसी कॉन्वेंट में वापस भेज देते हैं। इसके बाद एडोल्फो लोला का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर लोला सिर्फ उन्हीं दोनों बच्चों के बारे में सोच रही होती है। इधर हम कॉन्वेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर बच्चों को आबिज के द्वारा वही धार्मिक चीजें सिखाई जा रही थी जो की टिन और टीना करते आ रहे थे, और यहाँ पर टिन और टीना मिलकर कोई एक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ एडोल्फो कार को फुल स्पीड में चला रहा होता है, तभी उसके कार के आगे कोई आ जाता है जो कि एक हिरन जैसा होता है, जिस वजह से एडोल्फो तेजी से ब्रेक लगाता है और उनका छोटा सा एक्सीडेंट होने से बच जाता है और सभी लोग कार के अंदर सही सलामत होते हैं, जिसके बाद सभी लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद लोला अपने बच्चों को सुला देती है और वह देखती है कि घर का मेन डोर खुला हुआ है और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है, तो लोला जाकर मेन डोर को बंद कर देती है और देखती है कि घर के अंदर किसी के पैरों के निशान है जो कि सीधा एडोल्फो की तरफ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर एडोल्फो काफी ड्रंक भी होता है, जो टीवी देख रहा होता है, और मौसम खराब होने के कारण इनका टीवी का सिग्नल लॉस होने लगता है। तो एडोल्फो बाहर जाकर सिग्नल एंटीना को ठीक करने लगता है। उसके जाते ही इनके घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है और लोला को वही म्यूजिक सुनाई देने लगता है जिसपे कि टिन और टीना उसे एंटरटेन किए थे, जिस वजह से लोला समझती है कि घर के अंदर दोनों बच्चे चोरी छुपके आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी इनके घर की अचानक से लाइट भी चली जाती है, तो लोला फ्यूज बॉक्स को जाकर चेक करती है। तभी वो नोटिस करती है कि एडोल्फो काफी समय से बाहर है, तो लोला तुरंत ही एक टॉर्च लेकर उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है और देखती है कि एडोल्फो करंट से चिपका हुआ है और उसकी पूरी बॉडी जल रही है, और यहाँ पर लोला कुछ कर पाते इससे पहले ही एडोल्फो नीचे गिर जाता है और वह जलकर मारा जाता है, जिससे कि लोला बहुत ही दुखी हो जाती है और वह तुरंत ही अपने बच्चे को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसका बच्चा अपनी जगह पर नहीं होता है, जिस वजह से लोला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसका बच्चा कहीं भी उसे नहीं मिलता है। तो आखिरी वक्त में लोला आकर वही करती है जैसा कि टिन और टीना करते थे। लोला एक कपड़े को उठाती है और अपने चेहरे को बांध लेती है और वो गौर से अपने बच्चे को मांगने लगती है और वो अपने बच्चे के लिए अपना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है।
तो उसे थोड़ी देर बाद ही उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि दूसरे कमरे से आ रही होती है। तो लोला तुरंत ही अपने बच्चे को जाकर बचा लेती है जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसकी आंख सीधे हॉस्पिटल में खुलती है जहां पर लोला से मिलने के लिए कॉन्वेंट की अभी जाई हुई थी जो उसे बताती है कि उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है लेकिन एडोल्फो की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो यहां पर लोला पूछती है कि क्या कल रात टीन और टीना उसके घर पर आए थे। तो अभी उसे बताती है कि ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि वो दोनों बच्चे अभी छोटे हैं और रात को बारिश भी बहुत तेज हो रही थी तो वो दोनों बच्चे उसके घर पर कैसे जाएंगे। जिसके बाद लोला एडोल्फो का फ्यूनरल करवाती है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है तो फिर से टीन और टीना को अपना लेती है और यह मूवी इसी के साथ यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी टीन और टीना मूवी की स्टोरी। स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ थ्योरी के बारे में। तो मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि टीन और टीना एक साइको चाइल्ड हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो दोनों बच्चे जो भी कुछ कर रहे थे वो सब उन्हें कॉन्वेंट के अंदर ही सिखाया जा रहा है। बल्कि कहा जाए तो वो कॉन्वेंट ही ऐसा है जो बच्चों का माइंड वॉश करता है और उन्हें धर्म के नाम पर उल्टे सीधे काम करवाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।